हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस रीजनिंग के सेशन में, है ना। तो जैसे कि हमने रीजनिंग के सेशन में हमने डिस्कस कर रहे थे स्टेटमेंट और आर्गुमेंट, है ना। हमने कुछ बेसिक जो आइडियाज होते हैं, जो बेसिक फैक्ट होते हैं, जो बेसिक ट्रिक्स होते हैं कि कैसे स्टेटमेंट और आर्गुमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया जाए, तो हमने उस चीज़ को डिस्कस कर लिया था। और हमने अपनी जो प्रैक्टिस है, मैराथन प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन की, उसको भी हमने शुरू कर दिया था, है ना। तो बहुत सारा ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि हमारा आधा स्टेटमेंट और आर्गुमेंट क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो स्टेटमेंट आर्गुमेंट को ख़त्म करने के बाद हम लोग किसी और टॉपिक पे मूव करेंगे, लेकिन अभी बहुत सारी प्रैक्टिस बाकी है, तो आप बने रहिए। तो आज भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट में चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कहता है हमारा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहता है शुड चिल्ड्रन बी प्रिवेंटेड कंप्लीटली, शुड चिल्ड्रन बी प्रिवेंटेड कंप्लीटली फ्रॉम वॉचिंग द टेलीविजन, कंप्लीटली कंप्लीटली फ्रॉम वॉचिंग द टेलीविजन, ठीक है। और ये सवाल पूछा गया है NIFT UG 2012 में, 2012 में, ठीक है। आर्ग्यूमेंट तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा है इसको लेके, we get vital information regarding education through television. ओके, सेकंड हमारा है जो हमसे कहता है yes it hampers the study of children, ठीक है। और हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन ए, if only argument first is strong, ठीक है। सी इफ
बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग, डी इफ ईदर वन और सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से? स्टेटमेंट कह रहा है शुड चिल्ड्रन बी प्रिवेंटेड कंप्लीटली फ्रॉम वॉचिंग टेलीविजन। प्रिवेंटिव मतलब बचाना, ठीक है। शुड चिल्ड्रन, क्या बच्चों को बचाना चाहिए कंप्लीटली पूरी तरह फ्रॉम वॉचिंग, वॉचिंग मतलब देखना टेलीविजन, क्या बच्चों को टेलीविजन देखने से रोकना चाहिए, हमें कंप्लीटली रोक देना चाहिए, है ना? बच्चों के लिए देयर इज नो टेलीविजन शुड अलाउ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई बच्चों को क्या पूरी तरह से जो टेलीविज़न देखने पर बैन लगा देना चाहिए या बंद करवा देना चाहिए माँ बाप के लिए, ठीक है। चलिए आर्ग्यूमेंट वन, आर्ग्यूमेंट वन क्या कहता है? नो, नो, बैन नहीं कराओ, रोको मत। अब वजह क्या है इनके ओपिनियन के पीछे की? ओपिनियन के पीछे की कि वी गेट वाइटल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एजुकेशन थ्रू टेलीविजन। यानी वाइटल मतलब होता है महत्वपूर्ण, इन्फॉर्मेशन क्या होता है? जानकारी, ठीक है। रिगार्डिंग मतलब संबंधित, एजुकेशन मतलब आपकी शिक्षा, थ्रू मतलब द्वारा टेलीविजन। यानी कि वो कह रहे हैं क्या हमें नहीं बैन करना चाहिए क्योंकि हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, किसके महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? एजुकेशन, शिक्षा के रिगार्डिंग थ्रू टेलीविजन। यानी कि पहला आर्ग्यूमेंट कहता है नो, मत बैन करो, मत रोको बच्चों को टेलीविज़न देखने से, क्योंकि टेलीविज़न के थ्रू बच्चों को क्या मिलती है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही है आर्ग्यूमेंट। क्यों, है ना? टेलीविज़न में सिर्फ मूवीज ड्रामा थोड़ा नहीं आते हैं। टेलीविज़न में क्या आते हैं? टेलीविज़न में न्यूज चैनल्स आते हैं, ठीक है। नेट जियो आता है, है ना, जिसमें आप अगर आप जिसको देखते हैं तो आपकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी काफ़ी मतलब जो है मजबूत हो जाती है। बहुत सारे एग्रीकल्चर चैनल आने लगे हैं, बच्चा एग्रीकल्चर के बारे में सीखता है। तो टेलीविज़न का जस्ट ये मतलब नहीं है कि टेलीविज़न देखने वाले सारे लोग क्या होते हैं? बेकार होते हैं, है ना, या सारे डम्ब होते हैं, ठीक है। टेलीविज़न के अपने फ़ायदे हैं, है ना। इट्स नॉट कि कोई चीज़ बुरी है, इट्स लाइक डैट कि आप किसी चीज़ को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। उसी तरह टेलीविज़न बुरा नहीं है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपके बच्चे टेलीविज़न देख रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे टेलीविज़न में देख क्या रहे हैं, ठीक है। टेलीविज़न में अगर वो एजुकेशनल चीज़ें, न्यूज वगैरह, है ना, ये सब देख रहे हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा एजुकेटिव क्या कार्टून्स भी आ गए हैं, वो देख रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों को क्या मिलती है? एजुकेशन मिलती है। बहुत सारे कार्टून्स जो हैं आजकल आने लगे हैं जो मोरल स्टोरीज पर बेस होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही आर्ग्यूमेंट है और मैं इस आर्ग्यूमेंट से पूरी तरह सहमत हूँ। सेकंड कह रहा है यस, हाँ, रोक दो बच्चों को, मत देखने दो टेलीविज़न। वजह क्या है? इट हैम्पर्स, हैम्पर मतलब क्या होता है? रोकना, रोकना। हैम्पर द स्टडी ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि ये रोकती है, हैम्पर मतलब बाधा डालना, है ना, ये बाधा डालती है बच्चों की पढ़ाई में। सेकेंड आर्ग्यूमेंट कहता है बंद करवा दो बच्चों का टेलीविज़न देखना क्योंकि ये बच्चों की स्टडी में बाधा डालती है, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? कि यार अगर बच्चों की के लिए टीवी देखना बंद करा देंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि उनकी पढ़ाई में बाधा नहीं पड़ेगी? बाधा और भी तरह से आ सकती है, मोबाइल्स हैं आजकल, मोबाइल्स में बच्चे देख लेंगे। टेलीविज़न बैन करा दोगे आप तो, अगर बच्चों ने गलत तरीके की चीज़ें ही देखनी है तो वो तो मोबाइल में देखेंगे, है ना। टेलीविज़न से भी घटिया चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल गलत है कि बच्चों की स्टडी हार्म होती है। यानी कि जिस हिसाब से जिनके घर में टीवी होते हैं उनके घर में तो बच्चों के करियर बर्बाद हो जाने चाहिए। तो बिल्कुल बेकार आर्ग्यूमेंट है ये। यानी कि आर्ग्यूमेंट वन करेक्ट, इज करेक्ट, आर्ग्यूमेंट सेकेंड इज रॉन्ग, ठीक है। तो इसलिए केवल आर्ग्यूमेंट वन ठीक है, इफ ओनली आर्ग्यूमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। हाँ, चलिए नोट कर लीजिए आप इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट, शुड मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट बी मेड कंपलसरी, बी मेड कंपलसरी, मेड कंपलसरी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पुलिस एसआई 2017 में, यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर 2017 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है इसका, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, यस वी हैव टू इंश्योर हाई क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन, यस यस वी हैव टू इंश्योर, वी हैव टू इंश्योर हाई क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन, हाई क्वालिटी इंश्योर हाई क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, हाई क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन टू मीट द डिमांड ऑफ, टू मीट द डिमांड ऑफ, मीट द डिमांड ऑफ, मीट द डिमांड ऑफ, टू मीट द डिमांड ऑफ रैपिडली एडवांसिंग मेडिकल फील्ड, रैपिडली एडवांसिंग मेडिकल फील्ड। ठीक है, मेडिकल फील्ड, नो दिस विल कीप, दिस विल कीप मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, एजुकेशन आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ रीच ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ रूरल एंड अर्बन, रूरल, रूरल, रूरल और अर्बन, अर्बन, अर्बन और अर्बन, अर्बन डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। राइट चिल्ड्रन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बी इफ ओनली argument second is strong,
सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग. सी इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर स्ट्रॉन्ग. डी इफ ईदर फर्स्ट और सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग. ठीक है, ये सवाल है भाई यूपी पुलिस एसआई 2017 में पूछा गया. स्टेटमेंट कहता है कि शुड मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट बी मेड कंपलसरी. यानी कि मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट क्या होता है, यानी कि जो मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, ठीक है, उनको मेडिकल कॉलेज में जाने से पहले जो टेस्ट देना पड़ता है, जो नीट आज के समय पे होता है, उसी को कहा जाता है मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, है ना. ठीक है, बट नीट के थ्रू जो लोग क्वालिफाई करके जाते हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं, है ना. और कुछ लोग हैं जो बिना नीट क्वालिफाई किए हुए भी एमबीबीएस कर लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, है ना. तो उन्हीं लोगों की बात हो रही है, क्या मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट भी मेड कंपलसरी. क्या जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जाने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, क्या उसको कंपलसरी कर देना चाहिए, ये कह रहा है सवाल में. ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या कहता है इसका. आर्ग्यूमेंट पहला आर्ग्यूमेंट कहता है यस, हाँ जरूरी है भाई, है ना. यस वी हैव टू इंश्योर मतलब हैव टू का मतलब देखो इंग्लिश की चीज़ें भी मैं आपको सिखाते चल रहा हूँ, है ना. Have to जब की आता है तो इसका मतलब होता है पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, है ना. वी हैव टू इंश्योर, इंश्योर मतलब होता है कि निश्चित, सुनिश्चित, हाई क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन, है ना, उच्च क्वालिटी की मेडिकल एजुकेशन टू मीट द डिमांड ऑफ रैपिडली एडवांसिंग मेडिकल फील्ड. रैपिडली एडवांसिंग मतलब तेजी से एडवांस हो रहे, ठीक है. तो इसका कहने का मतलब है हाँ ओपिनियन है, हाँ मेडिकल जो एंट्रेंस टेस्ट है उसको कंपलसरी बना दो. वजह क्या है, कहता है कि भैया हमें जो है इंश्योर करनी पड़ेगी, हमें इंश्योर करनी पड़ेगी क्या, हाई क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन, उच्च क्वालिटी की मेडिकल एजुकेशन हमें इंश्योर करनी पड़ेगी, क्योंकि जो डिमांड है मेडिकल फील्ड की, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से ग्रो करती जा रही है, तो इस टेक्नोलॉजी की डिमांड से बढ़ने को मीट करने के लिए हमें ज़रूरत है कि भाई एंट्रेंस टेस्ट अच्छे लोग जाएं, कैपेबल लोग जाएं. अब जो पर्सन डोनेशन देके जा रहा है ना, एक ऐसा पर्सन जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट बिना दिए जा रहा है, यानी कि साफ सी बात है जो पर्सन मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नहीं निकाल सकता वो क्या निकाले, वो क्या लोगों का इलाज करेगा, क्या सर्जन बनेगा, क्या वो थेरेपिस्ट बनेगा, है ना. तो ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ठीक है भाई, कि जाने मेडिकल के फील्ड में जाने से कम एबिलिटी तो टेस्ट कर लो एक बार, है ना. तो बिल्कुल ठीक है, ओपिनियन भी ठीक है, वजह भी ठीक है. जब ओपिनियन और वजह दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, आर्ग्यूमेंट बनाती हैं, आर्ग्यूमेंट वन इज करेक्ट. सेकेंड आर्ग्यूमेंट कहता है, सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, नो मतलब नहीं, यानी कि इनका कहने का मतलब नहीं, एंट्रेंस टेस्ट को कंपलसरी मत करो, ठीक है, बाध्यकारी मत बनाओ. वजह कह रहे हैं दिस विल कीप मेडिकल एजुकेशन आउट ऑफ रीच ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रूरल और अर्बन डिप्राइव्ड स्टूडेंट. यानी कि ये क्या करेगा कि अगर आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को कंपलसरी बना दोगे तो बहुत सारे डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, जो गांव और शहरों में रहने वाले डिप्राइव्ड चिल्ड्रन हैं, उनको मेडिकल एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, है ना. तो पहली बात तो ये आर्ग्यूमेंट अपने आप में जो वजह जो है बहुत बेतुकी है, है ना. जो बिना, अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो बिना एंट्रेंस के मेडिकल टेस्ट मेडिकल कॉलेज में वही एडमिशन ले पाते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, क्योंकि डोनेशन देना पड़ता है ना, डोनेशन देना पड़ता है. इसलिए रूरल और अर्बन लोगों को तो ये कभी मिलेगा ही नहीं. दूसरा आर्ग्यूमेंट, ये वजह इस वजह से भी बेकार है कि हमारा लक्ष्य लोगों को मेडिकल एजुकेशन दिलाना नहीं है, हमारा लक्ष्य क्या है, बेहतरीन डॉक्टर्स प्रोड्यूस करना,
है ना, बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर्स अपने लिए लेके आना, ठीक है। तो इसी वजह से ये आर्ग्यूमेंट क्या है, अपने आप में गलत हो जाता है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, आर्ग्यूमेंट सेकंड इज रॉन्ग, ठीक है। तो कौन सा वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इफ ओनली आर्ग्यूमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये हो गया, चलिए इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट, should speed breakers on road be outlawed, और ये सवाल पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद 2018 में, यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद 2018, ठीक है। और इसका आर्ग्यूमेंट है, तो पहला आर्ग्यूमेंट इसका क्या कहता है, पहला आर्ग्यूमेंट कहता है कि नो स्पीड ब्रेकर आर सिंपली वे टू रिड्यूस व्हीकल स्पीड, नो स्पीड ब्रेकर्स आर ए सिंपल वे टू रिड्यूस व्हीकल स्पीड, ठीक है। सेकंड आर्ग्यूमेंट कहता है हमारा, यस सम पीपल फेल टू सी स्पीड ब्रेकर्स, यस सम पीपल आर फेल्ड आर फेल टू सी स्पीड ब्रेकर फेल टू सी स्पीड ब्रेकर्स एट नाइट। इसका ऑप्शन ए, if only argument
सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, सी इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग, इफ ईदर वन और सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये है हमारे पास, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से, स्टेटमेंट कह रहा है शुड स्पीड ब्रेकर ऑन रोड बी आउटलॉड। आउटलॉड मतलब क्या है, आउटलॉड मतलब होता है खत्म कर देना, ठीक है। स्पीड ब्रेकर्स आपने देखे ही होंगे, स्पीड ब्रेकर्स लगे होते हैं रोड पर ही लगे होते हैं स्पीड ब्रेकर, तो कह रहा है शुड स्पीड ब्रेकर ऑन रोड बी आउटलॉड, क्या जो स्पीड ब्रेकर्स लगे हुए हैं रोड पर उनको ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। तो मान ली बात, आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट पहला कहता नहीं मत ख़त्म करो स्पीड ब्रेकर्स को, क्यों, वजह बता रहे हैं कि स्पीड ब्रेकर्स आर सिंपल वे टू रिड्यूस व्हीकल स्पीड, यानी कि स्पीड ब्रेकर्स जो है ना एक आसान तरीका है व्हीकल की स्पीड को कम करने का, है ना। तो कहते हैं नहीं, स्पीड ब्रेकर्स को ख़त्म मत करो, है ना, क्योंकि स्पीड ब्रेकर्स क्या है, एक सिंपल तरीका है जो व्हीकल है उसकी स्पीड को कम करने के लिए। तो बिल्कुल सही आर्ग्यूमेंट लग रहा है ये, ठीक है, क्यों सही आर्ग्यूमेंट लग रहा है, क्यों वजह सही लग रही है, क्यों ओपिनियन सही लग रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी चोर है ना, किसी गाड़ी में मान लो किसी गाड़ी को लूट को चोरी करके रॉब करके भाग रहा है, हाईजैक करके भाग रहा है, तो स्पीड ब्रेकर्स उन चोरों को पकड़ने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ लोग किसी की चेन स्नैचिंग करके भाग रहे होते हैं, तो स्पीड ब्रेकर्स ही हैं जो उनको उनकी स्पीड को कम करने का काम करता है, जिससे पुलिस उन्हें पकड़ पाती है, ठीक है। तो स्पीड ब्रेकर, इसी के साथ ही जो आम सिटीजन है, स्पीड ब्रेकर उन लोगों को एक चेतावनी देता है कि भाई सावधान रहिए, आगे स्पीड ब्रेकर है, ठीक है, तेज गाड़ी चलाओगे चोट खा जाओगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो स्पीड है बाइकों की, कारों की और व्हीकल्स की, वो कम हो जाती है, तो जिससे क्या होता है दुर्घटना होने की जो संभावना है बहुत कम रहती है, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, यस, ये सेकेंड आर्ग्यूमेंट कहता है यस, हाँ ख़त्म कर दो। सम पीपल आर फेल्ड टू सी स्पीड ब्रेकर्स एट नाइट, यानी कि कुछ लोग जो नाइट है उसमें स्पीड ब्रेकर देखने में है ना सक्षम नहीं हो पाते, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा बेतुका है, क्योंकि आज के टाइम पे सारे हाईवेज पर लाइट लग चुके हैं, हाई मास्ट लग चुके हैं, तो स्पीड ब्रेकर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और स्पीड ब्रेकर्स में भी खुद रेडिएशन वाली लाइट लगी रहती हैं, जिससे अगर आपकी बाइक या कार की जो लाइट है ना उसकी रोशनी अगर स्पीड ब्रेकर से पड़ती है तो दूर से दिखने लगता है, इस तरह का पेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये वजह तो बिल्कुल बेकार है ना, इस वजह का कोई तुक है नहीं, ठीक है। तो ये भी ये गलत है, ठीक है, यानी कि आर्ग्यूमेंट फर्स्ट करेक्ट है, आर्ग्यूमेंट सेकंड रॉन्ग है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि ओनली आर्ग्यूमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट
शुड स्पीड ब्रेकर ऑन रोड्स सॉरी शुड ए क्रिकेट टीम 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 हैव मोर देन वन कैप्टन हैव मोर देन वन कैप्टन वन कैप्टन ड्यूरिंग ए मैच ड्यूरिंग ए मैच ड्यूरिंग ए मैच ठीक है आर्ग्यूमेंट ठीक है और ये सवाल देख लेते हैं ये सवाल पूछा गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में यूपी पुलिस पुलिस कांस्टेबल 2018 यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में ये सवाल पूछा गया है ठीक है तो आर्ग्यूमेंट क्या कहते हैं इसके पहला आर्ग्यूमेंट कहता है कि नो नो वन नीड टू मेक डिसीजन ऑन द स्पॉट वन नीड्स टू मेक डिसीजन ऑन द स्पॉट ऑन द स्पॉट ऑन द स्पॉट एंड देयर वोंट बी टाइम एंड देयर देयर वोंट बी टाइम टू रिजॉल्व टाइम टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज बिटवीन द कैप्टन ऑन द फील्ड बिटवीन द कैप्टन्स ऑन द फील्ड कैप्टन्स ऑन द फील्ड इफ सच सिनेरियो इमर्जेज इफ सच सिनेरियो इमर्जेज सेकेंड यस इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव यस it is always better to have more brains coming to understanding before taking a decision option A if only
फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बी इफ ओनली आर्ग्यूमेंट, सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, सी इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग, डी इफ ईदर फर्स्ट और सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, इज स्ट्रॉन्ग। ये है होल आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन के थ्रू क्या कहना चाह रहा है कि शुड ए क्रिकेट टीम हैव मोर देन वन कैप्टन ड्यूरिंग ए मैच, है ना। शुड ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट जो टीम होती है, हैव मोर देन वन कैप्टन ड्यूरिंग ए मैच। क्या इनका स्टेटमेंट ये, क्या एक क्रिकेट टीम में मोर देन वन कैप्टन, एक से ज़्यादा कैप्टन होना चाहिए ड्यूरिंग ए मैच, एक मैच के दौरान। इनका कहना है क्या एक मैच के दौरान एक क्रिकेट टीम में एक से ज़्यादा कैप्टन होना चाहिए, मतलब दो या तीन कैप्टन होना चाहिए, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट, पहला आर्ग्यूमेंट कहता है कि नो, नहीं होना चाहिए। ओपिनियन इनका ना है कि नहीं होना चाहिए, अच्छा ठीक है मान लिया ओपिनियन नहीं है, लेकिन वजह क्या है। वन नीड्स टू मेक डिसीजन, यानी कि कोई अगर डिसीजन लेता है, ठीक है, ऑन द स्पॉट, है ना, क्रिकेट फील्ड पे ही, एंड देयर वोंट बी टाइम टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज, ठीक है। और वहाँ पर किसी के लिए क्या नहीं होता है, जो कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज, मतलब दो अलग अलग आइडियाज को रिजॉल्व करने के लिए, मान लो दो कैप्टन हैं, है ना, बिटवीन द कैप्टन्स ऑन द फील्ड इफ सच सिनेरियो इमर्जेज। कहते हैं कि भाई नहीं बनाना चाहिए कैप्टन, नहीं बनाना चाहिए मोर देन वन कैप्टन ड्यूरिंग ए मैच। तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं बनाना चाहिए, तो वजह बता रहे हैं कि क्रिकेट का जब मैच होता है तो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने पड़ते हैं। और अगर एक से ज़्यादा कैप्टन होंगे, ठीक है, तो अगर मान लो सारे कैप्टन्स ने अलग अलग आइडियाज दिए तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, है ना। एक कैप्टन कह रहा है कि प्लेयर ए से बॉलिंग कराओ, एक कैप्टन कह रहा है प्लेयर बी से बॉलिंग कराओ, एक कैप्टन कह रहा है प्लेयर सी से बॉलिंग कराओ, ठीक है, तो क्या होगा कि कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। और उस वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता कि कन्फ्लिक्ट फील्ड पे रिजॉल्व करते रहे, ठीक है। अगर तो कहने का मतलब है कि भाई नहीं, एक ही कैप्टन होना चाहिए, है ना, नहीं होने चाहिए मोर देन वन कैप्टन, क्योंकि क्या होगा, झगड़ा हो सकता है, कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज आ सकते हैं, ठीक है, मैच हो ही नहीं पाएगा कम्प्लीट पूरी तरह से, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, है ना, हमने देखी ऐसी क्रिकेट कॉन्ट्रोवर्सी, एक महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह के बीच में देखी थी, है ना, कि युवराज सिंह कैप्टनशिप कर रहे थे, महेंद्र सिंह धोनी बाहर बैठे हुए थे मैदान से जब उनको चोट लग गई थी, तो युवराज सिंह ने किसी प्लेयर को बॉलिंग करने को दी, तो महेंद्र सिंह धोनी ने उनको बुला के बोला कि नहीं इसको बॉलिंग करवाओ, है ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब मैच हारेंगे तो मेरे ऊपर ब्लेम आएगा ना, क्योंकि मैं रियल कैप्टन हूँ, है ना। तो दोनों प्लेयर्स के बीच काफ़ी कन्फ्लिक्ट हो गया था, ठीक है। तो ऐसी सिनेरियो ना हो इसके लिए भैया एक क्रिकेट टीम में कम से कम एक ही कैप्टन रहना चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट सेकंड क्या है कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव मोर ब्रेन्स कमिंग टू अंडरस्टैंडिंग बिफोर टेकिंग डिसीजन, ठीक, कह रहे हैं हाँ मोर देन वन कैप्टन होने चाहिए, क्योंकि बढ़िया बात है ना कि एक से ज़्यादा दिमाग होंगे, बढ़िया डिसीजन निकल के आएगा, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, है ना भाई, कुछ जगह कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, है ना, जैसे आर्मी में एक जब बॉर का टाइम होता है तो एक कमांडिंग ऑफिसर होता है, वही सारे डिसीजन लेता है ना। तो जब बॉर या एक कंपटीशन का दौर चल रहा होता है या खेल का मैदान होता है तो वहाँ पर हमें बहुत सारे आइडियाज की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, हमें सिर्फ एक ऐसा पर्सन जो कन्विक्शन के साथ आइडिया ले, मतलब डिसीजन ले सके, उसकी ज़रूरत होती है। तो ये आर्ग्यूमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, आर्ग्यूमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इफ ओनली आर्ग्यूमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग, ओके, ठीक है। तो ये हो गया स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट। अभी इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बट इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।